नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रूबिका लियाकत। देश द्रोहियों का 2020, आप यकीन कर सकते हैं। वो देश जो मोहब्बत करता है अपने एक स्टेट से, क्या कश्मीर में पत्थरबाजों के बाद अब नया बैट बॉल गैंग शुरू हो गया है? पहले पत्थरबाजों ने कश्मीर में पाकिस्तान के लिए मोर्चा संभाला, लेकिन अब कश्मीर में आ गया है बैट बॉल गैंग। जो वहाँ के कमांडर्स हैं, जो फोर्सेस हैं, वो इस चीज को संज्ञान में लेंगे और देखेंगे उसके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है आगे। यह बहुत ही निंदनीय है और सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलवामा में भारतीय टीम जैसी नीली जर्सी पहने खिलाड़ियों ने क्रिकेट मैच से पहले POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का एंथम बजाया। जब देखो इनका दिल करता है कभी झंडे लहरा देते हैं, जब दिल करता है इनका जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। राष्ट्र के विरोधी है, उनको गोली मार देनी चाहिए। क्लियरली गोली मार दो सबको, कोई सजा नहीं, कोई केस नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, देश विरोधी सोच के साथ शुरू हुए इस मैच के दौरान मंच पर 9 आतंकवादियों के पोस्टर्स भी लगाए गए और उसी मंच पर खिलाड़ियों को मेडल भी दिए गए। पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जबकि क्रिकेट मैच के दौरान सिग्नल के पास क्रिकेट मैच में वहां पर POK पाकिस्तान की जर्सी डाली थी प्लेयर्स ने और पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाया था। मतलब कोई भी नहीं चाहेगा, इंडियन क्यों होना चाहिए, मतलब इंडिया का हिस्सा है तो किस वजह से होना चाहिए। ये तस्वीरें देखकर और POK का एंथम सुनकर किसी भी देशभक्त का खून खौलने लगेगा। सवाल है कि भारत की पिच पर POK का देश विरोधी एंथम गाने की हिम्मत इन लोगों ने कैसे की? इनका वो है ना कि जो भी दिल में आएगा वो करेंगे, इसका मतलब गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है इनके खिलाफ। कश्मीर को सुधारने की जरूरत है, कश्मीर को ठीक करें, कश्मीर बहुत बहुत ही गंभीर स्थिति में है। कश्मीर में ऐसी सोच को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ पूरा देश गुस्से में है, लेकिन नीली जर्सी पहनकर कश्मीर की जमीन पर POK की क्रिकेट टीम आ कैसे गई? किसी ने इस आयोजन को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मेजॉरिटी जो घाटी वाले लोग हैं वो शांति से रहना चाहते हैं, वो आज़ादी वगैरह की किसी की डिमांड नहीं है, भारत के साथ रहना चाहते हैं। एक्शन तो आज तक इस बात पे हुआ है, लोग शोर शोर में जाकर रहते हैं, एक्शन कभी नहीं हुआ ना होना है। हिंदुस्तान में हो गए, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गाना गाना चाहिए। एक तरफ कुछ लोग भारत की जमीन पर POK का देश विरोधी एंथम गा रहे थे तो दूसरी तरफ नौगाम में आतंकवादियों की घुसपैठ नाकाम करते हुए 3 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। सीमा पार से घुस रहे 4 आतंकियों का एनकाउंटर करके आतंकी साजिश को जवानों ने नाकाम कर दिया। सख्त से सख्त एक्शन भारत सरकार को लेना चाहिए इसके ऊपर। आज आपको शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज की कर्मभूमि लेकर चलेंगे। जम्मू के अखनूर सेक्टर में आज भी फयाज को याद करते हुए पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ उनके साथी लाइन ऑफ कंट्रोल पर देश की रक्षा कर रहे हैं। ये जी न्यूज की देशभक्त रिपोर्टिंग है जिसे देखकर आपको गर्व होगा। उमर फयाज बोला जाए तो सन ऑफ कश्मीर कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। पूरे भारत देश के लिए उमर फयाज का आज नहीं होना पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हमेशा कहते थे कि ये जो वैली के लोग हैं उनके लिए वो कुछ करना चाहते हैं, वो चाहते थे कि उन लोगों को गाइड करें ताकि वो भी उन्हीं की तरह एक मुकाम हासिल कर सके। अगर शहीद उमर फयाज का सपना पूरा हो जाता तो भारत की जमीन पर खड़े होकर मुट्ठी भर लोगों की पाकिस्तान का गुणगान करने की हिम्मत नहीं होती। कौन है जो ऐसा कर रहे हैं और कौन इसका साथ दे रहा है? सबसे पहले देखिए कश्मीर में बैट बॉल गैंग के देश विरोधी मैच की पूरी खबर। तो बैट बॉल गैंग का देश विरोधी मैच और उस पूरी खबर को आप तक पहुंचाऊं उससे पहले अभी अपडेट देना जरूरी है। पुलिस ने देश विरोधी मैच के ऑर्गेनाइजर्स के साथ बाकी लोगों के खिलाफ अब FIR दर्ज कर ली है। पुलवामा में दर्ज हुई FIR में IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का यह भी कहना है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को आज जांच के लिए बुलाया था लेकिन वो आज नहीं पहुंचे। आपको बताते हैं कि जिस जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी एंथम और नारे लगे उसके लिए हम और आप कितना योगदान देते हैं। साल 2000 से 2016 तक जम्मू कश्मीर को केंद्र से मिलने वाली मदद का 10% हिस्सा कश्मीर को गया है, जम्मू कश्मीर को गया है, जबकि यहां देश की सिर्फ 1% जनसंख्या रहती है। इतनी मदद, इतनी मोहब्बत देने के बाद हमें बदले में क्या मिलता है, आप वो देखिए।
धरती हिंदुस्तान की, लेकिन एंथम पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर का। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान का गुणगान करने वाले गैंग की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तस्वीरों में आप जिन खिलाड़ियों को नीले रंग की जर्सी पहने हुए देख रहे हैं वो कश्मीर के हैं, लेकिन पीछे जो आवाज आ रही है वो पीओके के एंथम की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान ये देशद्रोही घटना हुई। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले के दौरान मैदान पर दोनों टीमें मौजूद थी। पहले देश विरोधी एंथम बजाया गया, इसके साथ ही मंच पर आतंकियों की तस्वीर का पोस्टर भी लगाया गया था। पोस्टर को जिस लड़के ने पकड़ा हुआ था उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। स्टेडियम में भारत विरोधी नारेबाजी भी हुई, इसलिए सवाल जम्मू कश्मीर की महबूबा सरकार पर भी है। जिस स्टेडियम में कई घंटों तक आतंकियों के पोस्टर लगे रहे वो सरकारी है, यानी यहाँ होने वाले हर कार्यक्रम की मंजूरी पहले से सरकार से ली जानी जरूरी है। तो फिर प्रशासन ने इस देश विरोधी हरकत पर अपनी आंखें बंद क्यों रखी? जब देखो इनका दिल करता है कभी झंडे लहरा देते हैं, जब दिल करता है इनका जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ये तो इनका वो है ना कि जो भी दिल में आएगा वो करेंगे, इसका मतलब गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है इनके खिलाफ। बताया ये भी गया कि एंथम की लाइव स्ट्रीमिंग भी फेसबुक पर की गई। ये तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अब पूरे देश की जनता गुस्से में है। सख्त से सख्त एक्शन भारत सरकार को लेना चाहिए इसके ऊपर, और जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उनको बैन ही करना चाहिए बिल्कुल, जो ऐसी एक्टिविटीज को होने देते हैं और करने देते हैं। दावा है कि ये क्रिकेट मैच शनिवार 20 मई को कश्मीर घाटी के पुलवामा में स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला गया। फाइनल में शाइनिंग स्टार पंपोर और पुलवामा टाइगर्स की टीमें आमने सामने थी। खुलेआम ऐसा करने का मतलब क्या है? क्या कश्मीर में कुछ लोगों को भरोसा हो गया है कि वो कोई भी देश विरोधी हरकत करके कार्रवाई से बच सकते हैं? पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जबकि एक क्रिकेट मैच के दौरान सिग्नल के पास क्रिकेट मैच में वहां पर पीओके पाकिस्तान की जर्सी डाली थी प्लेयर्स ने और पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाया था। तो बार बार अगर ऐसी घटना हो रही है इसका मतलब है कि उनको पुलिस का डर नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है। वीडियो का ऐसे वायरल होना ये गलत कई दफा इन्फॉर्मेशन और माहौल को खराब करते हैं और ये ऐसी चीजें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए ठीक नहीं है और अगर कोई ऐसी चीज आती है सामने तो ये माहौल उसे खराब होता है। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी पुलवामा में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। पुलवामा स्टेडियम के पास ही पुलवामा डिग्री कॉलेज है जहां कुछ दिनों पहले ही आतंकी संगठन हिजबुल के कमांडर बुरहान वानी का पोस्टर लगाया गया था। इससे पहले 2 अप्रैल को पुलवामा में पाकिस्तानी टीम की हरे रंग की जर्सी पहनकर कश्मीरी क्रिकेट खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया था। वीडियो सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 12 युवकों को गांदरबल जिले से हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। सवाल सिर्फ कार्रवाई नहीं राष्ट्र विरोधी सोच का है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करने वाले ऐसे लोगों की वजह से ही सीमा पार बैठे आतंकियों का मनोबल बढ़ता है। ये जो पुलवामा में क्रिकेट मैच में इंसिडेंट हुआ ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमको इसको ओवर प्ले करने की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी जो घाटी वाले लोग हैं वो शांति से रहना चाहते हैं, वो आजादी वगैरह की किसी की डिमांड नहीं है, भारत के साथ रहना चाहते हैं। इससे पहले 2016 में श्रीनगर के एनआईटी में भी विवाद हुआ था। 31 मार्च 2016 को वर्ल्ड T20 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए सेमीफाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम हार गई थी, जिसके बाद स्थानीय छात्र भारत की हार का जश्न मना रहे थे। जब गैर कश्मीरी छात्रों ने इसका विरोध किया तो दोनों गुटों के बीच हाथापाई हो गई। एनआईटी कैंपस में स्थानीय कश्मीरी छात्र हाथ में हरा झंडा लेकर भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे थे, जबकि एनआईटी में पढ़ने वाले दूसरे राज्यों के छात्र हाथों में तिरंगा लेकर भारत के पक्ष में नारे लगा रहे थे। ये चिंताजनक हालात की तरफ इशारा करते हैं जिस पर कड़ा एक्शन लेना अब जरूरी है। राष्ट्रवाद को एक तरह से मटियामेट कर दिया और कश्मीर के हालात इतने बदतर कर दिए कि आज वहां पर खुले आम पीओके का
राष्ट्रगान गाया जा रहा हो, ऐसी हालात में सरकार को सोचना चाहिए। अंतर्दृष्टि से, अंतर्ज्ञान से हम लोग कह रहे हैं, उस बात से सारी जनता जो कह रही है उसके बाद से सोचते हुए कि कश्मीर को सुधारने की ज़रूरत है, कश्मीर को ठीक करें। कश्मीर बहुत बहुत ही गंभीर स्थिति में है। यह बहुत ही निंदनीय है और सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी आप अलगाववादियों पर लगातार केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है और यह पाकिस्तान के भकावे में, उनके उकसाने में इस प्रकार के जो घटनाएं हो रही हैं, हमारी सरकार बहुत ही गंभीर है और कठोर से कठोर कार्रवाई की भी जा रही है और की भी जाएंगी भी। ये तस्वीरें देखकर आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन कश्मीर के हालात दिखाने के लिए इन वीडियोस को देखना जरूरी है, क्योंकि सवाल ये भी है कि जब देश के किसी भी हिस्से में देश विरोधी काम करने पर कार्रवाई होती है तो कश्मीर में इस कानून का पालन क्यों नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश विरोधी कमेंट्री सुनकर आपको लगा होगा कि ये देश में क्या हो रहा है। हमारा भी सवाल यही है कि अगर दिल्ली में राष्ट्र विरोधी नारे लगने पर फौरन कार्रवाई होती है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं। अब आपको ले चलते हैं LOC के उस लोकेशन पर जहां शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज तैनात थे। शहीद फयाज की कर्मभूमि से ये जी न्यूज की देशभक्त रिपोर्टिंग है, जिसे देखकर आपको गर्व होगा। जम्मू के अखनूर सेक्टर में LOC पर बना ये रास्ता शहीद फयाज की देशभक्ति को श्रद्धांजलि दे रहा है। आतंकियों को रोकने के लिए लगी ये तारबंदी देशभक्त उमर की शहादत को याद कर रही है। आतंकियों को रोकने के लिए जिन साथियों के साथ फयाज तैनात रहते थे वो आज उन्हें याद करके गम और गुस्से में है। गुस्सा बहुत ज्यादा और उनको गम तो इतना था कि बस किसी को बयां करना बहुत मुश्किल है, किस इन शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जी न्यूज आ पहुंचा है लेफ्टिनेंट उमर फयाज की कर्म भूमि, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस जगह पे, ये वो जगह है लाइन ऑफ कंट्रोल का, वो इलाका है और इस इलाके के उस पार पाकिस्तान का जो है और कुछ कायर मिलिटेंट्स ने, कुछ कायर आतंकवादियों ने लेफ्टिनेंट उमर फयाज को शहीद कर दिया। शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी कर्मभूमि अभी भी उनको याद कर रही है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के इसी इलाके में शहीद फयाज तैनात थे। शहादत के बाद फयाज कश्मीर और पूरे देश के युवाओं के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। दो राजपूताना राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर के मुताबिक फयाज का जाना पूरे देश के लिए नुकसान है। सबसे यंग ऑफिसर होता है उसको हम बेबी ऑफ द बटालियन बोलते हैं, यानी जो बटालियन के एकदम बेबी ऑफिसर है, सबसे नए ऑफिसर है। उमर फयाज बोला जाए तो सन ऑफ कश्मीर हम कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। पूरे भारत देश के लिए उमर फयाज का आज नहीं होना पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। देश भर के युवाओं के लिए रोल मॉडल बन चुके शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज की ये कर्म भूमि है और इसके पार का इलाका जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है। इस जगह पे जो है वो हर समय जो है उनकी यहाँ पे रात को दिन को कभी भी जो है वो ड्यूटी उनकी चलती रहती थी। हालांकि शहादत का बदला किस तरह से लेगा, कैसे लिया जाएगा, यह फैसला जो है सरकार करेगी, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनकी तैयारी उसी तरह से पक्की है जिस तरीके से कभी उमर फयाज उनके साथ जो है यहाँ पे पेट्रोलिंग किया करते थे। अखनूर सेक्टर पर मौजूद तारबंदी पर आज भी पेट्रोलिंग पहले की तरह ही की जा रही है, लेकिन शूटिंग, खेल और यूनिट के हर काम को करने में अव्वल इस यंग ऑफिसर का जाना ऐसा खालीपन छोड़ गया है जिसे भरना मुश्किल है। जहाँ तक मैंने उमर फयाज को देखा है, उमर फयाज बेहद फिट ऑफिसर थे और उनके अंदर टीम भावना जो थी वो कूट कूट के भरी हुई थी। मेरे पास ट्रेनिंग के अंदर कम से कम 350 जवान थे जिसमें उमर फयाज भी शामिल थे एज एन ऑफिसर। मुझे याद है उन 350 के ग्रुप में जब हमारा एक इंडोरेंस रन हुआ था उसमें पूरे ग्रुप में उमर फयाज फर्स्ट आए थे। शहीद फयाज के ट्रेनर ने भी ये बताया कि कश्मीर को लेकर वो क्या सोचते थे।
मेरे दिमाग में, मेरे जहन में जो चीज़ उमर फयाज़ के बारे में है, हम अक्सर एक अनऑफिशियल इंटरेक्शन भी जो हमारा होता था उसमें हमेशा कहते थे कि ये जो वैली के लोग हैं उनके लिए वो कुछ करना चाहते हैं, उनके उनको गाइड करना चाहते हैं, वो भी उनके तरह ऑफिसर बने। जो मुझे कहते थे कि वहाँ के लोग बहुत ही मोटिवेटेड हैं, सिर्फ एक गाइडेंस की कमी है, जिसके लिए वो पूरा तत्पर थे। वो चाहते थे कि वो उन लोगों को गाइड करें ताकि वो भी उन्हीं की तरह एक मुकाम हासिल कर सकें। शहीद उमर फयाज अक्सर देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा अपने यूनिट के साथियों को देते रहते थे, लेकिन कश्मीर में घूम रहे आतंकी और सीमा पार पाकिस्तान में बैठे उनके चीफ नहीं चाहते कि कश्मीरी नौजवान तरक्की करें, पढ़ लिख कर सेना में जाएं। इसलिए उन कायरों ने लेफ्टिनेंट को किडनैप करके उनकी हत्या कर दी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये फेंसिंग का इलाका है, यहाँ पे फेंसिंग है और ये फेंसिंग का गेट क्रॉस करने के बाद हम फेंसिंग के आगे जो हैं वो जा रहे हैं। हमारी तरफ से ये जो फेंसिंग जो है ये रोक लगाई गई है, तारबंदी जो की गई है, ये हर तरफ से ये इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रुप आते हैं उनको रोकने के लिए, और एक्रास जो है यहाँ से इस पहाड़ी के उस तरफ का जो मैं इलाका है आपको दिखाना चाहूँगा वो पाकिस्तान का भिम्बर का इलाका है। यहाँ से कई लॉन्चिंग पैड है वहाँ पर, और वहाँ से बार बार कोशिश जो है मिलिटेंट्स की तरफ से जो है वो की जाती रही है वहाँ से, और अभी भी की जा रही है लगातार, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है राजौरी पूंछ अखनूर सेक्टर यहाँ पर लगातार जो है घुसपैठ की कोशिशें करवा रहा है और गोलाबारी भी यहां पे हो रही है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत पर पूरा देश गम में डूबा है। वो सच्चे देशभक्त थे जो कश्मीर में आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना में भर्ती हो गए। कंपनी कमांडर अमृतपाल सिंह के मुताबिक लेफ्टिनेंट फयाज की कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। उमर फयाज, लेफ्टिनेंट उमर फयाज जब हमारे पास आए हैं बटालियन में जनवरी में, तो जैसे कि एक इंडियन आर्मी की एक ट्रेडिशन है कि जब एक यंग ऑफिसर आता है तो सबसे पहले उसको ट्रुप्स के साथ रहने का, उनके साथ काम करने का और ऑपरेट करने का एक मौका दिया जाता है। उसी वक्त उनकी ट्रेनिंग भी की जाती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो जो हम लोगों ने पिछले 3 महीने में ये देखा कि जिस प्रकार से वो ट्रेनिंग कर रहे थे, जिस प्रकार से वो मोटिवेटेड थे। इस शहादत के बाद जैसे कश्मीर और पूरे देश से आवाज उठी, उससे सबको यकीन है कि अब देश के साथ घाटी का भी माहौल बदलेगा। एक तरफ ये देशद्रोही हैं जो पीओके का एंथम गाते हैं, देशद्रोहियों का 2020 खेलते हैं, और दूसरी तरफ है शहीद फयाज। उनकी यूनिट जम्मू के अखनूर में तैनात है। वहां 350 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा में 2 दिनों तक आतंकियों से एनकाउंटर चला, जिसमें 4 आतंकी मारे गए, सेना के 3 जवान शहीद हो गए। बर्फ पिघलने के साथ ही पाकिस्तानी सेना के आतंकी भेजने का कार्यक्रम या डर्टी गेम शुरू हो जाता है। शनिवार को एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद कुपवाड़ा के नौगाम में जंगल की ओर भागे आतंकियों की तलाश में चल रहा सर्च ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। खराब मौसम की वजह से जंगल में छिपे आतंकियों के बचकर भाग निकलने की आशंका जताई जा रही थी। आतंकियों को घुसपैठ में मदद के लिए पाकिस्तान ने भी लगातार फायरिंग की। एलओसी पर बर्फ पिघलते ही कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश बढ़ने लगी है। पाकिस्तान का टेरर ट्रेड जारी है, लेकिन उसके इस व्यापार को तबाह कर रही है भारतीय सेना। इससे पहले रविवार की रात हंदवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़ वाली जगह से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए हैं। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर घुसपैठ नाकाम करने के लिए जवानों की तारीफ की। नौगाम में आतंकवादियों की ओर से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। देश को हमारे सैनिकों पर गर्व है। नौगाम ऑपरेशन में जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में शहीद 3 जवानों को श्रद्धांजलि। 2 दिन से ज्यादा चला एनकाउंटर इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान की कोशिश ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को सीमा पार भेजने की थी। कश्मीर के माध्यम से भारत को डिस्टेबलाइज करने की, भारत को कमजोर करने की, तोड़ने की कोशिश होती रहती है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, कश्मीर की समस्या का परमानेंट सलूशन हमारी गवर्नमेंट निकालेगी, अस्थाई समाधान उसका निकालेगी। पिछले कुछ वक्त से सेना, इंटेलिजेंस और दूसरी एजेंसियों का तालमेल बेहतर हुआ है, इसीलिए घुसपैठ करते ही आतंकी ढेर हो रहे हैं।